Hi guys, welcome everyone, welcome new subscribers. In this video I want to show you top 10 Asian food street dishes. This is incredible dishes and more delicious. Click on subscribe and push on bell icon. सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह आपके खानों में, जायकों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। टॉप 10 एशियन फूड स्ट्रीट डिशेस बर्गर रेसिपी। इट इज़ सो डिलीशियस, फंटेस्टिक। ये आपको पसंद आएगा। इस तरह ये सीखों के ऊपर पकाया। हाउ टू मेक मिक्स टी, आई वांट टू शो इन दिस वीडियो। एशियन स्टाइल मिक्स टी, एक बड़े सारे ये पतीले के अंदर बनाई जा रही है। ये देखे कैसे, माशाल्लाह, फूड स्ट्रीट में तो क्या ही बात है, कैसे स्टीम निकल रही है। और ये देखे ऊपर को उठा उठा कर ये मैं आपको दिखाता हूँ, चाहे गाढ़ी और थिक लग रही है। तो एग्जीबिशन में ये देखें किस तरह ये थिक, इसके ऊपर ये जाग सी बन रही है। तो ये दूध पत्ती है, एशियन डी, बहुत मज़े की। और यहाँ पर ये बर्गर, ग्रिल चिकन बर्गर, बहुत मज़े का और डिलीशियस। ये इसके ऊपर सॉस लगाई जा रही है बर्गर की, ब्रेड के ऊपर। अब ऊपर इसके लगा दी गई है बंद गोभी। अब ऊपर जाएंगे टमाटर के स्लाइस और इस पे जाएगी ग्रीन चिली, मज़े की है ये भी। और ऊपर लगा दी है चीज़ का स्लाइस। अब इसको कवर कर दिया 2 मिनट के लिए ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, और चीज़ मेल्ट हो चुकी है। और इसको लगा दिया गया चिकन के ऊपर और लगा दिया गया ब्रेड के ऊपर। ऊपर से इसको कर दिया बंद। ये देखिए कितना खूबसूरत ग्रिल्ड चिकन बर्गर बन गया, माशाल्लाह। अब ये ज़्यादा ऑर्डर आपको दिखाते हैं इस साइड पे। ये चिकन के जो चेस्ट के पीसेस हैं इनकी साइड बदलते जा रहे हैं ऐसे साथ साथ। और एक साइड पे ये ब्रेड रखी है और यहाँ पे उसके ऊपर सॉस लगाई जा रही है ऐसे, ये रेड चिली सॉस है। और फिर ऊपर बंद गोभी लगा दी है ऐसे, दूसरे के भी ऊपर भी बंद गोभी। और फिर इनके ऊपर टमाटर के स्लाइस लगाए जाएंगे। ये देखें टमाटर के स्लाइस लगाए गए हैं और साथ वाले पे ग्रीन चिली, सिरके वाली जो सिरके के अंदर भगो कर रखी होती है, ये लगाई गई है। अब ये देखें चिकन के पीसेस जो हैं इनको पकाकर उनके ऊपर रखेंगे साथ में। ये इनको पहले कटिंग लेनी पड़ेगी ऐसे, ये इस तरह इसकी कटिंग करते जाना। ये अंदर से ये देखा कितना खूबसूरत फेस पे ऐसा नज़र आ रहा, वाइट वाइट। अब ये बिल्कुल सही पक जाएगा, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा ये भी। और ये देखे कितनी महारत से कटिंग कर रहे हैं। देखा उसने ऊपर से चिमटे से पकड़ा हुआ है और नाइफ कितनी प्यार से चला रहे हैं और बिल्कुल सीधा स्लाइस की कटिंग हो गई है। जब ये चिकन दोनों साइड से थोड़ा सा पक जाता है तो हार्ड हो जाता है, इसलिए नाइफ इसके अंदर चली जाती है। फिर अब ये देखें पीसों की साइड बदली जा रही है और पीस देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह, सो डिलीशियस। और बर्गर देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। जब ये चिकन का इतना मोटा बड़ा पीस ऊपर रखा जाएगा, ब्रेड भी है ऊपर, फिर ये चीज़ लगाई जाएगी, ये दो लेग पीस और रखे गए जा रहे हैं इनके ऊपर, चेस्ट के पीस हैं ये वाले, इसमें चेस्ट लगाए जाएंगे। तो ये पीसेस के चेस्ट वाले जो हैं इनका चिकन बहुत ज़्यादा होता है, पीसेस भी लार्ज साइज़ के हैं। और देखे इस पीस के ऊपर चीज़ लगाई गई है, दोनों पे चीज़ रख दी गई है। अब ये दोनों बर्गर के ऊपर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इसको बंद कर दिया 2 मिनट के लिए, चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब ये बर्गर के ऊपर जाएगा सीधा, ये देखे बर्गर के ऊपर चला गया। अब ऊपर से कवर करेंगे, फिर इन ग्रिल्ड के ऊपर रख देंगे ताकि इनकी दोनों साइडें जो है ये गर्म भी हो जाएँ और थोड़ी थोड़ी पक भी जाएं। देखा है ना बर्गर कितना खूबसूरत, बड़ा मज़े का लग रहा है, इसको खाना चाहिए साथ चिकन का। तो ये पीस ये काफ़ी होता है, जब ये ब्रेड लग गई है तो इनफ है। और ये हैवी बर्गर बनता है, ये देखें
साथ में सर्विंग विद टमाटो कैच माउथ वाटरिंग। और इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ बारबेक्यू की चिकन बोटी, ये कोयलों पे है, वो मैंने आपको दिखाया था ग्रिल्ड के ऊपर। ये देखिए सीखों के ऊपर चिकन बोटी कितनी प्यारी लग रही है, छोटी छोटी बोटियाँ सीखों के ऊपर चढ़ाई हुई हैं। तो मैंने इसकी जो रेसिपी कंप्लीट है आप घर में बना सकते हैं, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा रेसिपी का रिटर्न में कि ये चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो के अंदर भी आपको रेसिपी मिलेगी। तो हम लोग घरों में बनाते भी हैं, ये देखें जी अब तैयार हो चुकी है और ये प्लेट में निकाल रहे हैं सीखों से इस तरह। ये कितने प्यारे प्यारे पीस लग रहे हैं, छोटे छोटे बड़े मज़े के। चिकन बोटी बड़े शौक से खाई भी जाती है इस तरह। आइसक्रीम ऑल फ्लेवर्स, ये देखें हर फ्लेवर पड़ा इसमें, मैंगो वनीला स्ट्रॉबेरी। अब आगे आ जाएं, ये शवारमा, शवारमा यहाँ पर बनाया जाता है। और ये जो पीसेस हैं लेग के, ये फ्राइड से हैं, पीछे फ्राइड पड़ा है, फ्राइड से बनाए गए हैं। और साथ में इन्होंने मिंट सास रखी है, ये मिंट सास साथ दी जा रही है ये कितने। और ये साथ इसके आ गए हैं चिकन रोल, चिकन रोल भी लार्ज हैं, बड़े मज़े के हैं, डिलीशियस हैं। और अब मैं दिखाता हूँ ये सीखों के ऊपर लेग पीस हैं और साथ में चेस्ट पीस हैं, सीखों के ऊपर चढ़ाए हुए हैं। अभी इनको जो पकाया जो साथ ये इनको भी कट लगाया जा रहा है, फिर इनको सीखों के ऊपर ये देखें कैसे नीचे से कोयले जो हैं वो जो है ये देखें अपनी हीट दे रहे हैं, वो फ्लेम जो कोयलों की नॉर्मल होती है। इस तरह जब ये ऊपर से ऑयल लगाया जा रहा है तो उसमें जब ऑयल गिरता है कोयलों के ऊपर तो ये ऊपर की तरफ धुआं उठता है। और ये साथ में मैं आपको चाय दिखाता हूँ, साथ स्टॉल चाय का, ये मिक्स चाय एशियन मिक्स टी, इसमें सिर्फ शुगर सेपरेट होती है, बकाया इसके अंदर जो है दूध पत्ती वगैरह ये चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ इसमें जो है ये देखें चीनी जिसकी जितनी ज़रूरत हो वो डाल सकता है, साथ में स्टिक इसीलिए रखी होती है। तो अब मैं वापस फिर लेके आता हूँ आपको, ये देखें पीस कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ में ये तीन स्लाइस लगी हुई हैं बोटी के, ये देखें माशाल्लाह। पीछे मैंने आपको चिकन बोटी दिखाई थी, ये लेग पीस हैं और वो जो मैंने इससे पहले आपको दिखाए थे। और यहाँ पर ये देखें केक पड़े हैं छोटे छोटे, कितने प्यारे केक लग रहे हैं माशाल्लाह, बेकिंग है ना प्यारे खूबसूरत केक, क्या लुक है इनकी, मुख्तलिफ फ्लेवर्स में हैं केक, बहुत मज़े के हैं, छोटे साइज़ के हैं ये। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एशिया में जो मशहूर गोल गप्पे, और इसके साथ होता है खट्टा पानी जिसको बोलते हैं लाइम, और ये मैदे के बनाए होते हैं। अब ये इसके अंदर जो है पोटैटो और ये जो बेसन के जो पकौड़ियाँ से बनी हैं वो इसके अंदर डाली जा रही हैं, फिर इसमें मसाला डाला जाएगा। और ये साथ में स्वीट पोटैटो शकरकंदी है, दो डिशेस यहाँ पे हैं ये तैयार हो रही हैं और ये बहुत शौक से खाई जा रही हैं, शकरकंदी भी गोलगप्पे भी, बच्चे इसको यंग स्टूडेंट इसको बड़े शौक से खाते हैं। तो बड़े लोग जो है गोलगप्पे नहीं खाते, किसी किसी जगह वो खा रहे होते हैं लेकिन बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, बाद फैमिलीज इसको बड़ा लाइक करती हैं गोलगप्पों को, क्योंकि इसमें खट्टा होता है तो खट्टे को जो है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। वैसे ये स्पाइसी भी होता है, ये इसके ऊपर ये अब सास लगाई जा रही है, फिर इसके ऊपर ये जो रायता वो लगाया जा रहा है, फिर ऊपर मसाला, ये प्लेट बनकर ये आ गई है प्लेट जी देखा। क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड पुश ऑन बेल आइकॉन, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी वाले बटन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।